एनकाउंटर हुआ है, और जब वीडियो देखा तो वीडियो देखने पे ही वो पूरा मामला डाउटफुल नजर आ रहा है कि ये डाउटफुल है, क्योंकि इस तरह वीडियो में सिपाही आपस से बात कर रहे हैं, कैमरे में कैमरा उधर चल रहा है, तुम इधर देखो। पर एक बात यह है कि हम जब एक सिविलाइज सोसाइटी में ये बात मानते हैं कि हर आदमी को अपना डिफेंस का मौका होना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, अब वो कह रहे हैं कि हमने डिफेंस में फायर किया, एग्री डिफेंस में उन्होंने फायर किया, लेकिन इतना टाइम कैसे मिल गया डिफेंस में फायर करने की उसमें मीडिया बुलाया जाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो मामले बताए जा रहे हैं उन मामलों का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि इस परिवार के ने आपके सामने अपनी बातें रखी, उसने स्वीकारा कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया, तो क्या ऐसी वजह थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस को पीड़ित परिवार को या अपराधी के परिवार को हाउस अरेस्ट करना पड़ा? फिर जो वो मीडिया से बात करने के लिए अलीगढ़ आए, अधिकारियों से मिलने के लिए या दिल्ली आए, तो जो लोग उनके साथ आए थे उसमें लगा दिए गए, तो ये सारी चीज़ें जिस इस पर सवाल खड़ा करती हैं इस पूरे प्रोसेस पे, कि कहीं ना कहीं ये इनकाउंटर जो है, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, ये तमाम उन इनकाउंटर्स में एक नई कड़ी है जो पूरे देश में फेक इनकाउंटर्स कहे जाते हैं। जो कुछ भी होगा जाँच में आएगा, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की पुलिस, अलीगढ़ पुलिस जो जांच कर रही है, हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है। हमारा डिमांड ये है कि हाई कोर्ट का कोई करंट जज जो है, सिटिंग जज, इसका जुडिशियल इंक्वायरी करे, और इसके लिए हम अभी डिमांड चीफ मिनिस्टर साहब से भी कर रहे हैं, वरना हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कल हम NHRC से भी मिलेंगे। हमने नहीं बताया आपको, उन्होंने खुद बताया कि हमको किसी से मिलने नहीं दिया गया, हमने आपको बताया, उन्होंने क्या बताया। हमारे से इम्पोर्टेंट वर्जन विक्टिम के परिवार का है, और विक्टिम के परिवार ने साफ ये बात कही सबके सामने, आपके कैमरे में और दूसरे कैमरे में भी, कि हमको किसी से मिलने नहीं दिया गया, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास खाना नहीं था, हमको जो लोग खाना लेके आए थे उनको भी खाना नहीं देने दिया गया। तो ये स्टेटमेंट हमारा नहीं है, ये स्टेटमेंट विक्टिम की फैमिली का है। पुलिस ने क्या बताया बाद में कि क्यों? सर, पुलिस ने हमसे बात ही नहीं करी। देखिए, हम लोग कोई पहली फैक्ट फाइंडिंग में नहीं गए थे, या किसी पहले मामले में नहीं गए थे। 50 बार हम लोग जाते हैं, पुलिस के अधिकारियों से बात करते हैं और अपना वर्जन वो देते हैं, दोनों के वर्जन। जब कोई आप फैक्ट फाइंडिंग का रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें दोनों साइड का स्टोरी होता है, स्टेट का भी स्टोरी होता है और पीपल्स का भी स्टोरी होता है। सिविल राइट एक्टिविस्ट का यही काम होता है, लेकिन इस बार ये पहली बार ऐसा मामला हुआ जब पुलिस के किसी अधिकारी ने बात नहीं करी, बल्कि गुंडों को थाने के अंदर बुला के गुंडे ही करने की कोशिश करी।